हम आपका 5 मिनट से भी कम टाइम लेंगे। और हाँ, ये कोई सेलिंग स्पीच नहीं है, ये है सक्सेसफुल होने का स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता। चलिए पहले मिलते हैं सागर से। सागर एक कंपनी में जॉब करते हैं और अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हैं। हर महीने ये 2,500 का सामान खरीदते हैं, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिओ, चाय पत्ती एक्सेट्रा, डेली नीड के प्रोडक्ट्स जो हर घर में लगते हैं और हर महीने हम ये खरीदते हैं। सागर ये सामान अपने नियरेस्ट शॉप से या किसी सुपरमार्केट से खरीदते हैं। सागर पैसे देते हैं और सामान खरीदते हैं, इसके अलावा इन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं, अगर सागर किसी दूसरे शॉप से सामान न खरीदकर वेस्टेज से खरीदते हैं तो क्या होता है। दूसरे शॉप में क्या सागर को डिस्काउंट मिलता है? नहीं, प्रोडक्ट पे जो MRP है उस रेट पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन वेस्टेज में हर प्रोडक्ट पे 10-20% डिस्काउंट मिलता है हर बार। दूसरे शॉप में सागर जितने पैसे पे करते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स उन्हें मिलते हैं, लेकिन वेस्टेज में टोटल परचेसिंग पे 10% के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। दूसरे शॉप में सागर को कोई कैशबैक नहीं मिलता है, लेकिन वेस्टेज में 5-20% तक कैशबैक मिलता है हर बार की शॉपिंग पर। सागर सालों से हर महीने एक ही फिक्स शॉप से सामान खरीदते हैं, मतलब सागर उस शॉप के लॉयल कस्टमर हैं। जैसे हम सबका भी एक फिक्स शॉप होता है, वहीं से हर महीने हम सामान खरीदते हैं, लेकिन लॉयल कस्टमर होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन सागर हर महीने 2,500 का सामान वेस्टेज से खरीदते हैं लगातार 6 महीनों तक, तो 7वें महीने उन्हें 2,500 का सामान फ्री में मिलेगा। हर 6 महीनों के बाद लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हर महीने 16% का बेनिफिट होता है। अगर हम इसका टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो सागर को वेस्टेज से सामान खरीदने पर हर महीने 50-60% का बेनिफिट होता है। अब देखिए, इनपुट सेम टू सेम है, सागर हर महीने सामान खरीद रहा था और आगे भी खरीदता रहेगा, सिर्फ अपनी शॉप चेंज करने पर उन्हें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपके हिसाब से सागर को हर महीने घर का सामान कहाँ से खरीदना चाहिए, किसी दूसरे शॉप से या वेस्टेज से? आसान है ना, वेस्टेज से। अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स सागर या किसी और को समझाने हो तो कितना आसान है ना, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट 2-3 बार प्रैक्टिस करके समझाना है। अपने रेगुलर जॉब या प्रोफेशन के साथ साथ आप दिन में 2-3 लोगों को तो कंफर्टेबली समझा सकते हो। वेस्टेज के ये बेनिफिट समझाकर आप उनकी तो हेल्प कर रहे हो। 2-3 लोग हर दिन, महीने में होते हैं 30 दिन। अगर मंथ में मान लीजिए 12 लोगों की भी आपने हेल्प की, 12 लोग 2,500 की शॉपिंग करते हैं क्योंकि उन्हें भी ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो टोटल होता है 30,000 रुपीज़। इस पे आपको 800 से 1,000 रुपीज़ इनकम आएगी। लेकिन नेक्स्ट मंथ जब ये 12 लोग आगे 12-12 लोगों की हेल्प करते हैं क्योंकि उन्हें भी इनकम चाहिए, तो टोटल आप 144 लोगों की हेल्प करते हो। 144 लोग 2,500 की शॉपिंग करते हैं तो टोटल होता है 3,60,000 रुपीज़। तो इस मंथ आपको 20,000 से 25,000 रुपीज़ इनकम होती है। लोग हर महीने सामान खरीदते हैं, वेस्टेज के बेनिफिट्स बताने के बाद ये 144 लोग हर महीने वेस्टेज से सामान खरीदेंगे, तो हर महीने आपको 20,000 से 25,000 इनकम आएगी। अब ये 144 लोग आपके टीम में आते हैं। आगे जैसे जैसे आप वेस्टेज के बेनिफिट्स और ये सिस्टम लोगों को समझाते हो, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना आसान। तो ये है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता जिस पर चलकर लाखों लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बन चुके हैं। अब आपकी बारी है इस नोबेल प्रोफेशन से जुड़ने की। और हाँ, यहाँ आपको कोई इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है, आप 0 इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। बस आपको हर महीने घर का सामान वेस्टेज से खरीदना है, जिसमें आपको 50-60% बेनिफिट भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इस नंबर पर संपर्क करें या जिसने आपको ये वीडियो भेजा है उनसे आप संपर्क करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जिनको आप हेल्प करना चाहते हो उनसे आप शेयर करें और इस ब्यूटीफुल कंसेप्ट को व्हाट्सएप और फेसबुक और सभी सोशल मीडियाज़ पर शेयर करें।